स्वच्छ शहर इंदौर के नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव जनसेवा के लिए मैदान में निकल पड़े हैं, जहां भार्गव ने बीजेपी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का संकल्प साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मजदूर वर्ग के बीच दस्तक दी। यहां पुष्यमित्र भार्गव का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला, जहाँ उन्होंने मजदूर वर्ग के लोगों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। महापौर बनते ही पुष्यमित्र भार्गव ने संभाला जनसेवा का मैदान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का संकल्प साकार कर रहे भार्गव। मजदूर वर्ग के बीच दिखा महापौर पुष्यमित्र का एक अलग अंदाज। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मजदूर वर्ग का जाना हाल। रिकॉर्ड मतों से नगर निगम चुनाव का रण जीतने के बाद शहर के नव निर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव अब शहर की सेवा के लिए एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, जहां वे शहर के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही आम जन से मेलजोल भी बढ़ा रहे हैं। उधर महापौर बनने के बाद पुष्यमित्र भार्गव का एक अलग अंदाज चंदन नगर चौराहे पर देखने को मिला, जहाँ भार्गव ने मजदूर वर्ग के लोगों के पास पहुंचकर पहले तो उनका हालचाल जाना और फिर उनकी समस्या सुनकर जल्द समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में जनसंपर्क शुरू किया था और जब शुरू किया था तो यह कहा था कि आप सबके चेहरों पे जो खुशी है, जो जोश है और जो माताओं बहनों का आशीर्वाद है, उससे हम क्षेत्र क्रमांक 1 के वर्तमान विधायक को महापौर के पद पर उनके घर में हराएंगे, कहा था ना, तो वो हार गए। दूसरा, मैंने कहा था कि आपका घर का बेटा महेश चौधरी इस वार्ड से, जो इंदौर का एक नंबर वार्ड है, एक नंबर से जीतेंगे, वो भी जीत गए। उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा आशीर्वाद आप सबको है। आपने अब आपका काम कर दिया है, अब मेरी और महेश की और आदरणीय सुदर्शन जी की ये जिम्मेदारी है कि 5 साल तक हम ऐसा काम करें कि आपके चेहरे पे ऐसी ही हंसी बनी रहे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। बार बार मैं आता रहूंगा आपके बीच, धन्यवाद। वहीं इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव वार्ड क्रमांक 1 की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे, जहां भार्गव के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता सुदर्शन गुप्ता और पार्षद महेश चौधरी मौजूद रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो महापौर बनने के बाद पुष्यमित्र भार्गव का एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहाँ उन्होंने मजदूर वर्ग के लोगों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।